नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है यहाँ पे आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी निकाली गई है। तो आप लोग देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आना, यहाँ पे जो है आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट में। और यहाँ पे देखना आप लोग, इसमें दिया हुआ एडवर्टीजमेंट फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम 2021 का, तो ये जो है आपका 5/8/2021 का नोटिफिकेशन ये आपका दिया हुआ है इसमें इन्होंने। तो आप लोग देखिए इसको ओपन करना, तो इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखिए ये जो आपका एप्लीकेशन है, तो इसका ऑनलाइन जो है अप्लाई करने का डेट आपका इसमें इन्होंने दिया हुआ है 17/8/2021। तो आपका जो है ये 17 अगस्त आपका स्टार्ट होगा। लास्ट डेट इन्होंने दिया हुआ आपका 15/9/2021, यानी कि 15 सितंबर का आपका लास्ट डेट है। और परीक्षा की तिथि भी इन्होंने देखिए यहाँ पे दे दिया है एग्जाम डेट, तो ये है आपका 26/11/2021 को, यानी कि 26 नवंबर को एग्जामिनेशन आपके होंगे। और यहाँ पे देखिए नीचे जो आपका वैकेंसी के बारे में डिटेल आपका दिया हुआ है, और इसमें देखिए जो आपका पहला इसमें है सहायक अभियंता विद्युत और यांत्रिका, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए असिस्टेंट इंजीनियर है। तो इसमें देखिए टोटल जो वैकेंसी आपके, तो ओनली 3 वैकेंसी आपकी है। और उसके बाद जो दूसरा आपका है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का, जल संसाधन विभाग में आपका ये निकाला गया हुआ है, तो इसमें टोटल आपका 80 वैकेंसी है। तो टोटल आपका यहाँ पे 83 है, ओनली 3 वैकेंसी जो है आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वालों के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका एज लिमिट की, तो देखिए इन्होंने जो आपका रखा हुआ है इसमें जो एज लिमिट है आपका यहाँ पे, तो ये जो है 1/1/2021 तक आपका ये काउंट करेंगे। मिनिमम 21 ईयर्स आपका रखा गया है इसमें, और मैक्सिमम जो यहाँ पे 30 ईयर्स इन्होंने रखा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कि जो ओबीसी कैंडिडेट होंगे यहाँ पे, तो उनको जो है दिया जाएगा, जो कि आपका रहता है छत्तीसगढ़ के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, तो जो कैंडिडेट वहीं के होंगे उन्हीं को यहाँ पे दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो है आपका जो भी एसटीएससी कैंडिडेट है, तो जो छत्तीसगढ़ के होंगे सिर्फ उन्हीं को ही यहाँ पे जो है दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना यहाँ पे, बाकी लोग जो है वो जनरल कैटेगरी में आएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी हम देख लेते हैं आपका इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका एग्जामिनेशन सेंटर की, तो देखिए इन्होंने दिया आपका यहाँ पे कि जो एग्जामिनेशन सेंटर आपके रहेंगे, तो ये जो आपका रायपुर दुर्ग भिलाई और इसके बाद में आपका जगदलपुर है, अंबिकापुर है एवं बिलासपुर, जो आपका इन सभी जगहों पे आपके केंद्र रहेंगे, एग्जाम सेंटर आपके इन्हीं सेंटर पर आपके रहेंगे। और इसके साथ साथ में देखिए जो भी अभ्यर्थीगण परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार जिनका होगा यहाँ पे, तो उनको जो है आगे फिर और भी ऑनलाइन आपको भरने होंगे, जो भी इसके बाद आपका होगा तो वो आपका करना होगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे बात करते हैं आपका एप्लीकेशन फ़ी की, तो देखिए जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो आपका इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के मूल या स्थानीय निवासी है, जो कि छत्तीसगढ़ के लिए जो आते हैं अधिसूचित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, यानी कि जो एसटीएससी है, और साथ में जो ओबीसी कैंडिडेट है गैर क्रीमी लेयर के, यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर के आपके यहाँ हैं, तो उनको देखिए यहाँ पे जो है 300 रुपीज़ पे करनी है। और इसके साथ में बाकी जो भी अदर कैंडिडेट है आपके, और भी अदर जो भी जो कि आपका जनरल कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे, और साथ में जो छत्तीसगढ़ के बाहर के जो भी कैंडिडेट होंगे, वो चाहे कोई भी एसटीएससी या ओबीसी हो, तो उनको जो है यहाँ पे 400 रुपीज़ पे करनी है। और ये जो 300 रुपीज़ है, तो ये केवल एसटीएससी और ओबीसी जो कैंडिडेट छत्तीसगढ़ के निवासी है, तो उनके लिए पे करने हैं। और बाकी जो अदर स्टेट के कोई भी आप हो या फिर छत्तीसगढ़ के जनरल कैंडिडेट हो, तो उसके लिए 400 रुपीज़ इन्होंने रखा हुआ है। और ऑनलाइन आवेदन अगर आप लोग जैसे करते हैं एप्लीकेशन को, तो उसमें अगर आपको कोई भी सुधार करनी है, मान लीजिए आपको कोई उसमें एरर हो जाता है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट अगर आपको करना है, तो उसके लिए भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मापदंड, मतलब उसके लिए अलग से आपको शुल्क देने होंगे, जो कि शायद 100 रुपीज़ यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि 100 रुपीज़ पे करके आप अपना एडिट कर सकते हो एप्लीकेशन को। तो यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं आपका एग्जाम पैटर्न का, तो देखिए इन्होंने भी आपको दिया हुआ है कि जो आपका ये प्रतियोगिता परीक्षा होगा, तो ये इसमें इस अकॉर्डिंग आपके होंगे। पहला आपका यहाँ पे है राज्य अभियंत्रिकी सेवा प्रथम चरण, यानी कि जो फर्स्ट फेज आपके होंगे, अब जिसके माध्यम से जो भी राज्य अभियंत्रिकी सेवा आपका होगा इसमें आपका, तो साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों की इसमें पहले आपका जो है अर्हता निर्धारित किया जाएगा। फिर सेकेंड जो चरण आपके होंगे, इसमें आपके देखिए साक्षात्कार आपके होंगे, तो इसमें देखिए जो भी आपके परीक्षा में आपने नंबर लाए होंगे, और जो आपका साक्षात्कार में आपने इन्हीं के इंटरव्यू में जो आपने नंबर लाया होगा, तो उसके आधार पर मेरिट लिस्ट आपका तैयार किए जाएंगे। और इसके बाद फिर जो है आपका चयन किया जाएगा। तो देखिए जो प्रथम चरण आपका है परीक्षा में, तो इसमें देखिए आपके जो क्वेश्चन आएंगे, तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके आएंगे, तो इसमें जो है आपके 2 प्रश्न पत्र आपके होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका है, यानी कि जो फर्स्ट पेपर आपका रहेगा, तो इसमें आपका यहाँ पे सामान्य अध्ययन आपका आएगा, यानी कि जो जीएसडी के क्वेश्चन आपके रहते हैं वो, और इसके साथ में छत्तीसगढ़ का जो सामान्य ज्ञान है,
और जो बुद्धिमत्ता परीक्षा है, तो इनसे क्वेश्चन आपके आएंगे यहाँ पे। तो जनरल आपका जो मतलब जनरल अवेयरनेस है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो आपका जीके रहता है उससे आएगा, और साथ में बुद्धिमत्ता परीक्षा यानी कि रीजनिंग से में भी आपका इसमें आएगा। और इसके बाद जो सेकेंड पेपर आपका यहाँ पे देखिए जो होगा, तो इसमें देखिए जो ब्रांच है आपके सिविल यांत्रिक विद्युत जो भी मतलब है आपके, ये जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल ब्रांच है आपके जो होंगे पेपर टेक्निकल का, तो इनसे आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि आपको कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, जो भी मैं अप्लाई करेंगे आप उसी में आपके आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देख लेना यहाँ पे। और जो प्रथम चरण यानी कि जो परीक्षा आपके होंगे, तो ये है आपका वस्तुनिष्ठ होंगे, मतलब कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके इसमें आएंगे। और देखिए ये जो आपके रहेंगे यहाँ पे प्रत्येक जो प्रश्न रहेगा, तो उसके लिए चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि आपका रहता ही है उसमें आपका बस और द इस तरीके, अ बस आपका द इस तरीके के ऑप्शन आपके वहाँ पे रहेंगे, जिसमें कि एक आपका आंसर उसमें से कोई सही होगा उसमें आपको जो है करने होंगे। तो ये तो कोई आपका जैसे कोई सिंपल है, मतलब आपको वहाँ पे एग्जाम पता चल जाएगा। और तीसरा देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि इसमें जो है आपका ऋणात्मक अंक यानी कि निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो क्वेश्चन करने में। फिर इसके बाद देखिए जो आपका यहाँ पे प्रथम जो चरण है परीक्षा का जो रिटर्न होगा, तो जो क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें दो जो आपका पेपर है इसमें, तो प्रश्न पत्र वन यानी कि जो पेपर वन जो सामान्य अध्ययन आपका है, तो इसमें देखिए जो टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे तो वो है आपका 150, और समय आपको दिया जाएगा 2.5 घंटे के लिए, यानी कि तू आपका यहाँ पे दिया हुआ 2.5 घंटे समय आपके रहेंगे। और इसके बाद टोटल जो मार्क्स आपका रहेगा तो वो 300 मार्क्स का, तो टोटल आपका देखिए 150 यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन है, तो 300 मार्क्स होते, यानी कि हर एक क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका रहेगा 2 नंबर के आपके रहेंगे। और जो देखिए सेकेंड पेपर आपका है इसमें, तो जो सेकेंड पेपर आपका है, तो ये जो है आपका ब्रांच से रिलेटेड आपका रहेगा, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे आपके 150 क्वेश्चन रहेंगे 150, और नंबर ऑफ मार्क्स जो है आपका 300 की है, और समय भी आपका इसमें देखिए 2.3 आवर्स का दिया हुआ है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है प्रश्न पत्र वन का, तो ये 150 क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें आपका कंबाइनली आएगा, मतलब कि जो आपका जीके छत्तीसगढ़ का जीके हो गया, और साथ में जो आपका बुद्धिमत्ता परीक्षा इन्होंने जो दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखते चलना एग्जाम पैटर्न के बारे में। और देखिए जो आपका परीक्षा के जो भी रहेंगे अंतर्गत जो भी आएंगे यहाँ पे, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम आपको 40% का अंक प्राप्त करना आपके अनिवार्य है, यानी कि पेपर वन पेपर टू दोनों में आपको इंडिविजुअली 40% जो लाने होंगे मार्क्स आपको, तभी जो है आपका आगे का स्टेज के लिए यहाँ पे आपको प्रोसीड किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग से जो बिलोंग करती है एसटीएस या ओबीसी जो कैंडिडेट है, तो उनके लिए यहाँ पे केवल 30% रखी गई है, तो ये 40% जनरल कैंडिडेट वालों के लिए होगा, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 30% है आपका, एसटीएससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट है जो छत्तीसगढ़ के होंगे उनके लिए सिर्फ यहाँ पे है। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आ गया एग्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग। तो इसके लिए देखिए हम अलग से भी वीडियो आपका बना देंगे हम, जो एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हो, अगर आपका इसमें कोई भी डाउट अगर हो रहा होगा तो। फिर इसके बाद देखिए जो आपका इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में संख्या से लगभग 3 गुने होंगे आपके कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यहाँ पर, आपका जो भी कैंडिडेट मतलब जो सेलेक्टेड होंगे रिटन टेस्ट पास कर लिए होंगे, तो उनको फिर बाद में बुलाया जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए। और यहाँ पे देखिए जो इंटरव्यू आपका होगा साक्षात्कार जो होंगे आपके, तो उसके लिए यहाँ पे टोटल 75 मार्क्स आपके रहेंगे दिए जाएंगे, 75 मतलब मार्क्स के आपके रहेंगे इंटरव्यू वहाँ पर आपका, तो इसमें कोई भी न्यूनतम अंक नहीं रखा गया हुआ है, जैसे कि आपका रिटर्न में 40% मार्क्स रखा हुआ है उतना लाना ही आपको, इंटरव्यू के लिए कोई भी मिनिमम नहीं रखी गई है, तो 75 नंबर के आपके होंगे यहाँ पे साक्षात्कार आपका इनके इंटरव्यू जो आपका होगा। और इसके बाद देखिए जो आयोग की प्रक्रिया नियम जो आपका 2014 के अनुसार जो विज्ञप्ति आपके आए थे, तो उसी के आधार पर यहाँ पे भी दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए कि कैंडिडेट अगर कम होते हैं तो सीधे साक्षात्कार के लिए भी जाने का निर्णय लिया जा सकता है आपका यहाँ पे। तो ये जो है आपका फिर बाद में जो इंटरव्यू रहेगा तो आपका कुल 100 अंकों का होगा, और इसके बाद में साक्षात्कार में जो आपका न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करना आपके लिए अनिवार्य होगा। तो ये देखिए उसके आधार पर है, अगर संख्या मान लीजिए कि अगर आपका कम रहता है यहाँ पर आपका, तो उसके बेसिस पे है ये, और ऐसा तो नहीं लगता कम ही रहेगा, हालांकि ज़्यादा ही रहेगा, तो एग्जामिनेशन भी आपके होंगे ही होंगे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है नीचे आपका कि जो चयन सूची होगा, तो उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार में जितने भी प्राप्त आप अंक लाए होंगे, यानी कि जो आपका रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है, तो टोटल जितने भी मार्क्स आपका आएंगे इंडिविजुअली दोनों को मिला के जो है उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे मेरिट डिसाइड किया जाएगा। तो ये जो है आपका 2014 के नियम के अकॉर्डिंग ही ये भी आपके तैयार किए जाएंगे इसमें। और यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें जो है आपका सिलेबस भी इन्होंने दिया हुआ है सामान्य अध्ययन में आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन एवं भारत का भूगोल, तो जो आपके जीके में आपका आता है नॉर्मली आप जो भी पढ़ते हैं तो वही सब इसमें आपका आएगा।
और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान क्या रहेगा, तो इसमें देखिए इन्होंने डिटेल में दिया हुआ है। और जो बुद्धिमत्ता परीक्षा, तो देखिए इसमें आपका गणितीय योग्यता, बुद्धिमत्ता परीक्षा एवं आंकड़ों का विश्लेषण, तो ये आपका मैथ और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन इसमें आपके रहेंगे। और यहाँ पे टेक्निकल सब्जेक्ट का भी सिलेबस इन्होंने दिया हुआ है, तो आप लोग मैच कर लेना, यहाँ पे देख लेना। और ये जो PDF है तो हम जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे तो वो हमने आपको बता दिया है। अभी भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करना, इसका रिप्लाई हम आपको जरूर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।